यानी कि हम त्याग करें। किसके लिए बोलो, किसके लिए? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं है। हाँ ठीक है, संयोग से तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई है, पर क्या यह सब कुछ है? क्या शादी के बाद कोई जीवन नहीं है? और कैसी ग्लानी काहे का गिल्ट? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में 12-13 साल लेट आया हूं। शायद हम पहले मिलते तो आज सब कुछ ठीक होता, पर यह मेरा कसूर नहीं है। और समय की इस एक गलती को सुधारने के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका मुझे कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। और तुमने अपने बारे में सोचा है कि अगर तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी भी उसे बर्बाद कर दोगी तो उसका तुम्हें कोई ग्लानी नहीं है? यानी कि हम त्याग करें? किसके लिए? बोलो किसके लिए? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं है। ठीक है, संयोग से तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई है, पर क्या ये सब कुछ है? क्या शादी के बाद कोई जीवन नहीं है? और कैसी ग्लानी काहे का गिल्ट? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में 12-13 साल लेट आया हूं। शायद हम पहले मिल लेते तो आज सब कुछ ठीक हो जाता, पर ये मेरा कसूर नहीं है। और समय की इस एक गलती को सुधारने के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका मुझे कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। और तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कि अगर तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी भी उसे बर्बाद कर दोगी तो उसका तुम्हें कोई ग्लानी नहीं है? यानी कि हम त्याग करें? किसके लिए? बोलो किसके लिए? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं है। हाँ ठीक है, संयोग से तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई है, पर क्या उसके बाद कुछ नहीं? क्या शादी के बाद कोई जीवन नहीं? और कैसी ग्लानी काहे का गिल्ट? मेरा कसूर यह है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में 12-13 साल लेट आया हूं। अगर मैं तुम्हें पहले मिल जाता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, पर ये मेरा कसूर नहीं है। और समय की इस एक गलती को सुधारने के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका मुझे कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। और तुमने अपने बारे में सोचा है कि अगर तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी भी उसे अगर बर्बाद कर दोगी तो उसका तुम्हें कोई ग्लानी नहीं है? यानी कि हम त्याग करें? किसके लिए? बोलो किसके लिए? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं है। ठीक है, संयोग से तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई है, पर क्या यह सब कुछ है? क्या शादी के बाद कोई जीवन नहीं है? और कैसी ग्लानी काहे का गिल्ट? मेरा सिर्फ कसूर यह है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में 12-13 साल लेट आया। अगर हम पहले मिल लेते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, पर इसमें मेरा कसूर नहीं है। और समय की इस एक गलती को सुधारने के लिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो इसका मुझे कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। और तुमने अपने बारे में सोचा है कि अगर तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी उसे उसे बर्बाद कर दोगी तो उसका कोई ग्लानी नहीं है?